कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदारे तुलसी दत्तये प्रियाय केशवस्तव कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद श्री 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 पाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात परिशिक्षा गोपाद पद्मा नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर चंद्र श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा का समय में कहते गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिर गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे यही मत गौर श्याम दोहे ठेला ठेली सो रथे श्याम राखे गौर महाबली। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे 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 आगे चलते हैं पर जगन्नाथ जी उनको दर्शन करते हुए उनके वृत्त कीर्तन को देख करके जगन्नाथ जी धीरे धीरे चलते अगर चैतन्य महाप्रभु रथ को पीछे कभी चले जाते पर जगन्नाथ जी जहाँ के तहाँ जगन्नाथ जी वहीं खड़े हो जाते हैं पर जगन्नाथ जी रथ नहीं चलते। बोले क्यों चलते थे क्यों नहीं चलते थे कारण क्या। बोले अभी श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी गोपी भाव में विराजमान है बड़े दिनों के बाद में मैं श्याम सुंदर को अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके ले जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ये बताने चाहते हैं बोले हे राधे मैं जो वृंदावन जा रहा हूँ केवल तेरी वजह से ही जा रहा हूँ मेरा और कोई कारण नहीं केवल तुम्हें ही सुख देने के लिए। क्यों मेरे को अगर कोई वशीभूत कर सकता है केवल मेरा प्रेम केवल भक्ति से ही वशीभूत होता हूँ और अगर भक्ति अगर किसके हृदय में भक्ति तुम्हारे हृदय में और राधा रानी भक्ति स्वरूपिणी ही राधा है हैं। इसलिए बोले कृष्ण ने आराध्य थे राधा कृष्णम समाराय थे राधा राधा रानी मतलब क्या है। बोले जिनकी प्रेम में वशीभूत होकर के अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो कृष्ण है जिनकी चरण की सेवा करते इसलिए उनका नाम सेवा कुंज जहाँ पर कृष्ण स्वयं राधा रानी की चरण की उन्होंने सेवा की इसलिए बैठ पैलोट राधिका पाए। इसलिए श्री रसखान कहते हैं मैंने ब्रह्म में ढूंढ पुराण गायन मैंने वो परात्पर परम ब्रह्म को मैंने ब्रह्म में ढूंढा पुराण में ढूंढा वेद में ढूंढा सब जगह में ढूंढा लेकिन वो मिले ही नहीं कहीं। लेकिन घूमते घूमते जब वृंदावन में गए मिले बोले कहाँ पर बोले सेवा कुंज में बोले क्या करते हुए बोले मिले बोले बैठ पैलोट राधिका पाय राधा रानी की चरण की सेवा करते हुए मिले। इसलिए राधा रानी मतलब क्या है बोले कृष्ण को कृष्ण जिनकी चरण की सेवा आराधना करते हैं बार राधा रानी जिनकी चरण की आराधना करती है इसलिए उनका नाम श्री राधा रानी। इसलिए कहते केवल मेरे को प्रेम ही वशीभूत कर सकता है और अगर प्रेम पूर्ण रूप में कहीं हो तो श्री राधा रानी के चरण में हृदय में ही ये प्रेम है। इसलिए मैं जो जा रहा हूँ वृंदावन तो बोले तुम्हारे लिए वृंदावन तभी वृंदावन अगर वृंदावन अगर तुम हो अगर वृंदावन तुम नहीं हो फिर वो वृंदावन वृंदावन नहीं है। इसलिए जगत राधा रानी भाव से कृष्ण अभी महाप्रभु कभी कभी बीच बीच में सोचते हैं ऐसे नहीं केवल मेरे को मन रक्षा करने के लिए तो नहीं जा रहे
ना सचमुच से मेरे लिए जा रहे, इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, रथ को पीछे चले जाते थे। जब रथ को पीछे चले जाते थे तब जगन्नाथ जी बस रुक जाते, बोले मैं नहीं जाऊँ, मैं तो तेरे लिए जा रहा, अगर तू अगर नहीं जाओगे तो मैं क्यों जाऊँ। फिर जब राधा रानी महाप्रभु देखते नहीं जगन्नाथ मेरे लिए ही कृष्ण जा रहे, पर वो सामने आ जाते, आ कर गए चलने पर, फिर दोनों धीरे धीरे, इसलिए कभी धक्का मुक्की करते हुए हैं, कभी धक्का मुक्की आपस में करते हुए दोनों कहाँ चल रहे, श्री वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन चलते चलते बोले नाचिते नाचिते प्रभु रुहैला भावांतर, हस्त तुली श्लोक बड़ी करे उच्च स्वर। महापुरुष नृत्य करते करते उनकी हृदय में तरह तरह के भाव की हिल्लोड़, तरह तरह के भाव की लहरी महापुरुष का हृदय में चलता रहता है। करते करते उन्होंने कभी कभी दोनों हाथ बोल तुलते हुए बीच बीच में एक श्लोक पढ़ते थे, तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, बोले क्या है, बोले ज कौमार हरस एव ही बिरस्ता एव चैत्र कृपा स्ते चुन्मीलित मालती सुर भयो प्रौढ़ा कदम्ब नीला सा चैवास्मी तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विदो रेवा रोध शिव तसी तरुतले चेत समुत्कंठते। ये श्लोक को बारंबार बारंबार ये श्लोक को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये श्लोक का जो तात्पर्य है ना किसके समझ में नहीं आ रहा, ये महाप्रभु ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, हैं? ये एक नायिका कह के नायक एक नायिका एक नायक को कह रहे हैं, मतलब एक प्रेमिका एक प्रेमी को कह रहा है, बोले क्या कह रहे हैं, बोले जब हमारी जवानी थी, हैं, जब हमारी जवानी थी उसी समय में हम दोनों ने क्या करते थे, सुंदर नदी के किनारा में वहाँ बेतसी सुंदर बेत वृक्ष होता है कहते, तो वहाँ पर बेत का सुंदर कुंज होता था, हम दोनों वहीं पर एकांत में जो मिलते थे, हैं एकांत में जहाँ पर सुंदर नदी बह रही है, सुंदर फूल बेली के खिले हुए चंद्रमा का किरण छिटक रहा है, जब हम ये निकुंज में हम दोनों एकांत में मिलते थे ना, हमको कितने आनंद होता था, कितने आनंद होता था। अभी जितने भक्त लोग थे ना, जितने भक्त लोग थे कभी सोच रहे महाप्रभु ये श्लोक को महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं, ये तो एक है एक प्रेमिका है, कहते प्रेमिका एक प्रेमी को ये बात कह रहा है, हम जब एकांत में जवानी में जो मिलते थे आनंद कितना होता था, हैं वो आनंद क्या हो रहा है मेरे हृदय को, वो आनंद वही आनंद मेरे हृदय में बारंबार स्मरण हो रहे हैं। जब एकांत कित साधारण एक काव्य रस का एक श्लोक है, साधारण नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका क्या ये बात, तो ये महाप्रभु यहाँ पर श्लोक क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये बात वो कोई नहीं समझते थे, लेकिन ये नहीं समझते थे कि बोले एक व्यक्ति वहाँ पर समझ पाते थे, बोले वो व्यक्ति कौन है, बोले श्री स्वर्ग दामोदर, कहते स्वर्ग दामोदर कौन, बोले ललिता, बोले ललिता कौन है, बोले ललिताम भक्त ताम्बुलम, ये जो ललिता सखी है इनका नाम ललिता, ललिता मतलब क्या, लालित्य बा सुंदरता है, और ललिता कौन है, कहते कृष्ण की प्रेम के गुरु, राधा की प्रेम का गुरु, ये ललिता इतने तेजी है ना, इसका स्वभाव इतने प्रखर है, राधा रानी को भी डांटती है और कृष्ण को भी डांटती है, ये इतने तेज ये है, बोले ध्रुव ब्रज तनय तनु सुष्ट बामा माँ दक्षिणा भव कलंकीन लाख, बोले खबरदार जब राधा रानी कभी मान कर लेती हैं और श्याम सुंदर आकर के चरण में गिर कर मना के राधा रानी मान जा, ललिता कहती खबरदार मानना नहीं, ये काले ये धूर्त है, अगर अभी तुम्हारी मान उतर गया ना तेरे को छोड़कर चंद्रावली के पास में चले जाएंगे, इसे जब तक तुम मान में अड़ी रहोगे तब तक ये कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे, तेरे चरण में ही पड़े रहेंगे, इसलिए खबरदार मानना नहीं, इनकी बात को नहीं सुनना, मान को एकदम टिका करके रखो, हैं मान को। अगर कभी कभी राधा कृष्ण दोनों पासा खेलते हैं, जब खेलते हैं अगर ललिता की पल्ला अगर थोड़ी थोड़ी कम होता है ना, और कृष्ण एकदम चढ़ जाते हैं, अरे में इतने में कृष्ण अगर कुछ बोल दिया ना, है ललिता सखी क्रोध हो जाती, बोले ज़्यादा ज़्यादा चुप बोलना नहीं हमारे राधा रानी को, तुम चुप रहो, राधा रानी को पर ज़्यादा बोलना नहीं राधा रानी को, इसलिए ये कृष्ण को भी डांटती हैं और श्री राधा को, ये दोनों को डांटती हैं ललिता, बड़ी तेज बड़ी प्रखरा तेज ये ललिता सखी है।
इसलिए ये जो ललिता सखी राधा रानी के भाव को समझती हैं, और ये आठ सखियों में उनका जो आठ मेन सखी है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगभद्रा, चित्रा, सुचित्रा, रंगदेवी और सुदेवी, लेकिन ये आठ सखियों में सर्वश्रेष्ठ सखी कौन है? कहती है ललिता सखी, ये सर्वश्रेष्ठ सखी श्री ललिता है। इनकी आदेश पर ही सारे राधा कृष्ण की सेवा, इनके आदेश पर सब कुछ होता है। सब सखियाँ इनकी आदेश को पालना करते हैं। और जो हम लोग हैं ना, कहते सबका एक एक अलग अलग गण है, हैं अपना परिवार है अपना, लेकिन हम लोग कौन सा गण में? ललिता गण। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं ललिता सखीर अजोग्या किंकरी विनोद धारी छे पाए। भक्ति मनोहर ठाकुर अपना परिचय देते हैं, हम कौन हैं? ललिता सखी के अनुगत्य में हम सेवा करने वाले, ललिता सखी की अनुगत्य में, ललिता सखीर अजोग्या किंकरी हैं, इसलिए हम श्री ललिता की अनुगत्य में सेवा करने वाले। इसलिए यहाँ पर कहते केवल राधा रानी को जो महाप्रभु कौन सा भाव में क्यों किस लिए गा रहे हैं, केवल इसको केवल श्री स्वरूप दामोदर समझते हैं। क्यों? राधा रानी ही एक दूसरे रूप में ये ललिता रूप धारण की। ललिता मतलब सुंदरता है, ललिता मतलब सुंदर, लालिता मतलब ना क्या लालिमा, क्या लालित्य है, क्या सुंदरता है, है? इसलिए कहते केवल ये स्वरूप दामोदर समझते हैं। बोले हाँ, हाँ कहते यही श्लोक पूर्वे करियाची व्याख्यान श्लोक भावार्थ करी संख्य व्याख्यान। कहते ये श्लोक को पहले यहाँ पर कह रहे, मैंने पहले बोल चुका है ये श्लोक को, लेकिन अभी उसको मैं व्याख्यान करता हूँ। कहते व्याख्यान करता हूँ, लेकिन ये श्लोक कौन समझ रहे थे? बोले स्वरूप दामोदर, और कोई नहीं समझ रहे थे, लेकिन और एक व्यक्ति भी समझ रहा था। कौन है? कहते श्री रूप गोस्वामी। इसलिए इनका नाम रूप, रूप मतलब क्या? कहते श्री कृष्ण का भी रूप है, श्री ललिता का भी रूप है, श्री राधा रानी का भी रूप है, सबका रूप श्री रूप है। हाँ, उनका रूप, सबका रूप श्री रूप गोस्वामी, केवल वही समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, ठीक ये तो था जो श्लोक साधारण काव्य शास्त्र की, लेकिन इन्होंने ठीक ऐसे ही एक सुंदर बना करके, प्रेम युक्त एक श्लोक बना करके, ताल पत्ते के ऊपर लिख करके, उन्होंने जो झोपड़ी में रहते थे वह झोपड़ी में गूंज दिया। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु आकर के उनका जो हैंडराइटिंग ना, जो हाथ का अक्षर, कहते इतने सुंदर था जैसे सोने की जैसे है, इतने सुंदर उनका हैंडराइटिंग था। महाप्रभु ने देखा यहाँ पर ताल पत्र में क्या लिखा हुआ, तो महाप्रभु उसको निकाले, निकाल करके जब उन्होंने पढ़े, वे इतने प्रेम में गदगद हो गए। मतलब यहाँ पर राधा रानी महाप्रभु राधा जी के भाव में कृष्ण को कह रहे, हे श्याम सुंदर, जब हम दोनों वृंदावन में मिले थे, वो तो वो महाप्रभु तो साधारण एक काव्य शास्त्र का श्लोक बोले, लेकिन ये ठीक वैसे ही भाव युक्त तो श्लोक लिखे। क्यों, किस लिए महाप्रभु ये श्लोक बोल रहे थे? राधा रानी कह रही है श्याम सुंदर, हम जो वृंदावन में दोनों मिलते थे, बोले कहाँ पर? बोले सुंदर निकुंज में, जहाँ पर जमुना नदी सुंदर कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर कोयल कुहू कुहू कर रहे हैं और मयूर केका कर रहे थे, हाँ, जहाँ पर सुंदर निकुंज में जब हम दोनों एकांत में चंद्रमा का किरण जहाँ छिटक रहे हैं, जब हम दोनों वहाँ पर हम मिलते थे, कितना आनंद आता था, कितने सुख होता था। लेकिन यहाँ पर आपको जो रूप है राज वैसे घोड़ा गाड़ी, यहाँ पर रगड़ शब्द, यहाँ पर वो आनंद नहीं आ रहा है। अगर हे श्याम सुंदर मुझको आनंद देना चाहते हो, क्या करो, मेरे हृदय रूपी रथ में बैठो और चलो मेरे साथ में वृंदावन चलो, हम वहीं पर मिलकर खुश होंगे, यहाँ पर मिलकर के नहीं है, ये भाव युक्त। अभी उसको व्याख्या थोड़ी बहुत श्लोकों का व्याख्या कर रहे हैं, महाप्रभु क्यों किस लिए ये श्लोक को पढ़ रहे थे? बोले पूर्व जय से कुरुक्षेत्र सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाया आनंदितम। जैसे बड़े दिनों के बाद में जो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, सब के सब वहाँ पर ब्रह्म कुंड है, इसलिए वहाँ पर सूर्य
ग्रहण के बाद में सब लोग जाते हैं स्नान करते, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, और स्नान करने का बड़ा पुण्य है वहाँ पर, और स्नान दान करके क्या करते सबको दान देते हैं। कभी गए कि नहीं कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में, ब्रह्म कुंड में कुरुक्षेत्र में गए हो कभी, नहाया कि नहीं, नहाए हो? हाँ, वो हजार हजार लोग होते हैं, हैं हजार हजार लोग आते हैं, कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। इसलिए यदि ये कुरुक्षेत्र में सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाया आनंद तमन, बड़े दिनों में 100 साल के बाद में उन्होंने कृष्ण गोपियों से, गोपियाँ कृष्ण से मिले इतने दिन, और ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन करके इतनी खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले अब से राधा कृष्ण करे जगन्नाथ देखी प्रभुर से भाव उठिल, सही भाविष्ट हया धुआ दावाइल। इसी चीज को देख करके श्री महाप्रभु को जगन्नाथ को दर्शन कर यही भावना आई, जैसे ब्रजवासी कृष्ण से मिले हैं। कहते अब से राधा कृष्ण करे निवेदन, सही तुम सही आमी सही नव संग। तो वहाँ पर महाप्रभु कह रहे, हे कृष्ण तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, वही तुम कृष्ण, वही मैं राधा रानी। लेकिन तब भी मेरा मन में क्या भावना है, मेरे मन में है वृंदावन उदह कराव अपना चरण, तथा भी अमर मन है वृंदावन। इसलिए प्रभु अगर मेरे को आनंद देना चाहते हो आपका ये जो चरण कमल का, आप वृंदावन में आ करके हमें वृंदावन में दर्शन करो। मेरी जो मन है ना वृंदावन का तरफ में, ये मन हमें खींच रहा है, चलो वृंदावन चलो, वहीं पर यमुना किनारे में एकांत में हम दोनों मिलेंगे। बोले यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्परण्य भूमि पीक नाद सुनी, यहाँ राज वैश संगे सब क्षत्रिय गण, तहाँ गोप वैश संगे मुरली वादन, ब्रजे तुमार संगे जयी सुखास्वादन, सही सुख समुद्र यहाँ नाई एक कण। बोले वृंदावन में मिल करके हमें जितने आनंद होता था उतना आनंद वहाँ नहीं। बोले क्यों नहीं, कारण क्या? तो उसको तुलनात्मक रूप में यहाँ बता रहे हैं, वहाँ पर क्या था यहाँ क्या नहीं, और यहाँ क्या और वहाँ क्या क्या चीज है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देकर कह रहे हैं, बोले प्रभु कहते यहाँ तो हजार हजार लोग हैं, हजार हजार लोग यहाँ पर हैं, और क्या हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, हाँ रथ का चलता पहिया का ध्वनि है, लेकिन वृंदावन में क्या है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं वहाँ पर, सुंदर सुंदर जो कोयल तो तरह तरह का जो हाँ पक्षी बड़े सुंदर कलरव कर रहे हैं। वृंदावन में कोई कलरव नहीं करते हैं, वहाँ पर सबके सब राधा कृष्ण की गुणगान करते हैं, राधा कृष्ण की कीर्तन गाते हैं सबके सब वहाँ के, और यहाँ पर आपका राज वेश और यहाँ पर क्षत्रिय गण, लेकिन वृंदावन में आपका गोप वेश है, आप ये क्षत्रिय वेश नहीं, और हाथ में बंसुरी और सर पर आपकी मयूर मुकुट है, और यहाँ पर ब्रज तुम्हारे संगे से ही सुख आस्वादन से ही सुख समुद्र। इसलिए ब्रज में जब हम मिलते थे उसमें इतने आनंद हमको होता था, लेकिन उसका एक कण भी आनंद भी यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करो हम लोगों को लेकर के चलो वृंदावन में चलते हैं, तभी हमारी सारी इच्छा पूरी होगा प्रभु, चलो वृंदावन चलते हैं। बोले भागवते आचे जयचे राधिका वचन, पूर्वे ताहा सूत्र मध्य करियाचि वर्णन, सही भावा वैसे प्रभु पढ़ी आर श्लोक, सही श्लोक श्लोक कर नाही जाने बुझे लो। इसलिए महाकृष्ण महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के भाव से हैं सुंदर सुंदर उन्होंने श्लोक को बोलते हैं, लेकिन ये श्लोक कोई नहीं समझ पा रहे। बोले कौन समझ पा रहे हैं, बोले एक स्वरूप गोस्वामी में एक व्यक्ति है जिसका अर्थ समझ रहे थे, और श्री रूप गोस्वामी जिनके भाव को समझ करके उन्होंने ताल पत्ते को उन्होंने श्लोकों को उन्होंने वहाँ पर रखा है हैं। इसलिए कहते यहाँ पर बोले आहुश्चते नलिन नाभ पदार बिंदम, जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधय, संसार कूप पतितो तरणावलंबम, गेहम जुसामपि मन सुद्यात सदा मन। ये श्लोक है, ये जो श्लोक है कहते श्री
यदि श्रीमद दसम स्कंध में 82 अध्याय और 84 नंबर का ये श्लोक है, इसलिए जब गोपियाँ कृष्ण से मिलने का बाद कहते ये गोपियों का हृदय में, राधा रानी के हृदय में क्या भावना है, ये भावना को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। बोले क्या भावना, इसको मीनिंग रूप में कहते हैं। बोले क्या कह रहे हैं, राधा रानी कह रहे बोले हे श्याम सुंदर, बोले अनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन मन बने एक का निजानी ताहा तुमार पद द्वय कराह जदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी प्राणनाथ सुन मोर सत्य वचन ब्रजे अमार सदन ताहा ताहार संगम ना पाइले ना रहे जीवन। श्लोक का मिनी कह रहे हैं कहते आनर हृदय मन, कि जो साधारण जगत में जो लोगों का जो हृदय क्या है, बोले मन। हृदय मन मतलब क्या है, कहते साधारण लोग जो जगत में व्यक्ति है उनका हृदय में क्या है, संसार की कामना वासना है, हैं? ये संसार का कामना वासना साधारण लोगों का मन के हृदय में ये सब भावना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं गुरु मंत्र जप करने के लिए, अच्छे आसन बिछाते हैं, पंचपात्र लेते हैं, वहाँ पर सारे तीर्थों को आह्वान करते हुए पवित्र होकर के सोचते हैं हम थोड़ी गुरु मंत्र जप करेंगे, और गुरु मंत्र जप करते समय गुरु जी का ही ध्यान करेंगे, तो कृष्ण मंत्र जप करेंगे कृष्ण जी का ही ध्यान करेंगे। आप देखना आँख बंद करते ही बस मुँह भी चल रहा है, अंगुल भी चल रहा है, लेकिन मन कहाँ। मंत्र नाती पोती बेटा बेटी दुनियादारी में संसार में पति पत्नी में ये मन अपने आप, उसको मन को चिंतन करने का जरूरत नहीं, मन अपने आप उसमें, मन अपने आप ये सांसारिक वस्तु में मन अपने आप चले जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता ये चीज़ को चिंता करो, लेकिन कृष्ण का चिंतन करने के लिए मन को बोलना पड़ता, समझाना पड़ता। मन अभी गुरु मंत्र जप करते समय हरिनाम करते समय केवल हरिनाम में ही मन का लगाओ, लेकिन ये मन नहीं लगता। इसलिए कहते भैया आने हृदय मन, दूसरा का जो हृदय है ना वो मन है। मन मतलब है जहाँ स्वभाव के रूप में ये दुनियादारी संसार का चिंता भावना, वहाँ पर कहते हैं मन है, लेकिन मेरा मन क्या है, कहते मोर मन वृंदावन। राधा रानी कहते मेरा मन ऐसे नहीं है, मेरा मन तो वृंदावन है, मेरा मन श्री वृंदावन। कहते हैं वृंदावन मतलब क्या है, वृंदावन किसको कहते हैं, बोले वृंदावन उसे कहते हैं जहाँ पर भगवान की सुंदर सुंदर लीला, जहाँ पर ठाकुर जी करते हैं, जहाँ पर कृष्ण सुंदर सुंदर विहार करते हैं, जहाँ पर भगवान अपूर्व अपूर्व जहाँ पर दिव्य रास लीला की, काली अन्ना को न थे गोचार न किया है। इसलिए हमारे वेणु गीत में ब्रज गोपियाँ अपना ध्यान में बैठ करके बोले बरहा पिडम नटवर बपो, हैं बड़े सुंदर कृष्ण कितने सुंदर प्यारे हैं, वृंदावनम सखी भुवा वितनति कीर्तो जत देव किसुत पदाम भुज लब्ध तिक्षा। कहते देखो वृंदावन की महिमा कितना, वृंदावन धाम की महिमा है, जहाँ पर कृष्ण जहाँ पर वृंदावन धाम में जिन चरण को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति तरसते हैं, लेकिन आज कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना चरणों को वृंदावन में गैया को पीछे पीछे डोल रहे हैं, और ये पृथ्वी देवी भगवान की चरण स्पर्श करते हुए, भगवान जब चलते हैं भगवान के चरण में उन्हीं से चिन्ह होता है, पूरा जिधर चलते वो उन्हीं से चिन्ह चरण धीरे 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 अंकित होता है। वृंदावन धाम भगवान के चरण को हृदय में धारण करते हुए उनका हृदय प्रफुल्ल हो जाता है, हैं प्रफुल्ल हो जाते हैं। कहते जो घास जो दिखता है, बोले घास नहीं, जिसे प्रेम में मानो उनका रोमा बोले तो रोंगेट खड़े हो गए, जैसे पानी झरना बोले झरना नहीं, उनका प्रेम से आंसुओं के हृदय से नयन से ये आंसू प्रवाहित हो रहा है, हैं। इसलिए वृंदावन अपना हृदय में भगवान के चरण को धारण करते हुए, और भगवान जैसे राम देखो और नारायण देखो, द्वारकाधीश भगवान को देखो, सबके सब खड़ाम पहनते, खाली नंगे पैर में कोई नहीं, नंगे पैर में कोई भगवान चले नहीं, लेकिन कृष्ण जब वृंदावन में रहे तभी केवल नंगे प्यार में उन्होंने सर्वत्र विहार किया,
इसलिए कह देखो कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके वृंदावन धाम की कितने महिमा है, अपना कितने वितनत कीर्ति, कैसे अपना कीर्ति को विस्तार कर रहे हैं। और गोपियां क्या कहती हैं, बोले जयती तधिका जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सास्वदात्रहि दैत दीक्षता दीक्षुतावका त्वयि धृतात् सव त्वांग विचिन्वति। बोले हे प्रभु, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया क्या हो रहा है, ब्रज की जय जयकार हो रहा है, ब्रज में जय जयकार, वृंदावन में वृंदावन की महिमा और बढ़ गई। आप भी जन्म लेते ही वृंदावन की महिमा बढ़ गई। बोले श्री वृंदावन धाम की, इसलिए यहाँ पर राधारा ने कह रहे, बोले प्रभु मेरा जो मन है ना वृंदावन, वृंदावन मतलब जहाँ कृष्ण सुंदर सुंदर मधुर मधुर जहाँ कृष्ण लीला विलास करते हैं वो श्री वृंदावन धाम है। लेकिन तहा तुम्हार पदोदय करहा यदि उदय तभी तुम्हारे पूर्ण कृपा में, कब आपकी पूर्ण कृपा को मैं कब समझूंगी, आपकी पूर्ण कृपा तभी समझूंगी मेरे हृदय रूपी वृंदावन में अगर अपना चरण को अगर उदय कराओगे, चरण को रखोगे, फिर मैं समझूंगा और मेरा जीवन धन्य होगी। इसलिए हे श्याम सुंदर मेरे हृदय रूपी रथ में बैठे चलो वृंदावन, वृंदावन चलते हैं। बोले प्राणनाथ सुनो मोर सत्य वचन। बोले हे प्राण प्यारे, ये मेरे सच वचन है, सत्य बात क्या है, ब्रज अमर सदन, मतलब जो वृंदावन है ना हमारी जो असली घर से वृंदावन है, हैं वृंदावन हमारी घर और कहीं नहीं। इसलिए राधा रानी की तीन स्वरूप बताया गया, कितना स्वरूप बताया, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई कोई आँख बंद मत करो, आँख खोल कर बैठो। इसलिए कहते कहते राधा रानी की तीन स्वरूप बताया गया, क्या क्या है राधा रानी का तीन स्वरूप, बोलो आँख बंद कर डोलने से ही था। इसलिए राधा रानी की तीन स्वरूप है, एक है श्री संजोगिनी वियोगिनी और वृषभानंदिनी, राधा रानी की ये तीन स्वरूप है, हैं। इसलिए जैसे कृष्ण कहते हैं ना, वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं भी बाहर जाता ही कहीं नहीं बाहर जाता। जो मूल कृष्ण है ना वो वृंदावन में ही रहते हैं, लेकिन हम देखते कृष्ण मथुरा भी गए, कृष्ण द्वारका में गए, लेकिन जो असली जो राधा कांत गोपी कांत जसोदा नंदन नंदा नंदन जो कृष्ण हैं वो वृंदावन में ही रहते हैं। फिर मथुरा कौन गए, बोले ये देवकी नंदन वसुदेव नंदन गए, नंदा नंदन नहीं गए। फिर द्वारका कौन गए, बोले द्वारका गए रुक्मिणी कांत, हैं रुक्मिणी कांत सत्यभामा कांत वो गए, लेकिन जो देवकी नंदन और जो वसुदेव नंदन वो नहीं गए, हैं वो वहाँ पर गए। क्या तो उसी तरह हम देखते राधा रानी भी कुरुक्षेत्र गई, अभी गई नहीं कुरुक्षेत्र, अभी तो राधा रानी कुरुक्षेत्र में गई है, लेकिन कहते वृंदावन छोड़कर हम कहीं जाते ही नहीं। लेकिन वो जो राधा रानी गई वो कौन, बोले ये संजोगिनी राधा रानी, मतलब जो कृष्ण से मिली है। और एक राधा रानी वियोगिनी, कहते वियोगिनी मतलब जहाँ कृष्ण विरह को हर समय कृष्ण विरह में रहती हैं। कहते ये वियोगिनी राधा रानी कौन है, कहते श्री हैं, कहते श्री उद्धव कियारी में जब उद्धव जी गए और कैसे श्री राधा रानी कृष्ण विरह में कैसे व्याकुल हो रही थी, कहते वो वियोगिनी। लेकिन एक राधा रानी वृषभानंदिनी, वृषभान महाराज की जो लाढ़ीली लाली है एक है, बोले ये कौन है, बोले जो नित्य वृंदावन में रहती हैं, हर समय कृष्ण को साथ में मिलती हैं, कृष्ण के साथ में लीला करती हैं। कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़कर गए नहीं, उसी तरह राधा रानी भी कहीं भी, श्री राधा रानी भी कहीं नहीं गए, हैं राधा रानी भी कहीं नहीं गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते तहा तुम्हारा पद द्वय, बोले कहाँ, बोले वृंदावन धाम में करह यदि उदय, अगर वहाँ पर मेरे हृदय में
अब का चरण कमल को अगर उदय कराओगे तो तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तभी मैं आपका पूर्ण कृपा को तभी मैं मान सकती हूँ। प्राणनाथ सुनो मोर सत्य वचन, ये मेरी सत्य वचन यही है, ब्रज अमर सदर, ब्रज में ही हमारी जो असली घर है वो वृंदावन में ही असली घर है। ताहा तुम्हार संगम ना पाए ले ना रहे जीवन, जब वृंदावन में आकर के हमारी जो असली घर वृंदावन में जब मिलोगे वहीं पर ही क्या होगा हमारे जीवन धारण कर सकते हैं, नहीं तो ये जीवन को प्राण को हम त्याग दे देंगे। कहते पूर्व उद्धव द्वारे एवे साक्षात हमारे जो ज्ञान करिला उपाय, तुम्हें विदग्ध कृपा मय जान आमार हृदय मोरे ऐचे कही ते ना जुआए। इसलिए कहते पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात हमारे, कहते कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेजा है, बोले क्यों भेजे, बोले हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ और मेरे ब्रजवासियों को समझाना। क्या समझाओगे ब्रजवासियों को, कृष्ण सर्वत्र, कृष्ण कहानी, क्या कृष्ण वृंदावन में नहीं, कृष्ण क्या मथुरा में चले गए क्या, कृष्ण वृंदा अभी भी कृष्ण कहाँ पर है, अभी भी कृष्ण वृंदावन में कृष्ण गई कहीं कहीं नहीं, क्योंकि हम कहते ना कण कण में भगवान विद्यमान है, उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, सब जगह में भगवान, कहाँ नहीं भगवान, भगवान सब जगह में बैठे हैं, जहाँ उनको स्मरण करो भगवान तो वही है। उद्धव जी को भेज करके बोले जाओ गोपियों को हैं ये ज्ञान दे करके आओ, और उद्धव जी अभिमान को लेकर गए, बोले ये ग्वालियर को है समझाना मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी भारी बात है, इनको तो चुटकी बजाते ही मैं समझा दूंगा हैं, इनको चुटकी बजाते ही मैं समझा दूंगा। इसलिए उद्धव जी ब्रज में गए और राधा रानी गोपियों को बोले क्यों रो रहे हो, कृष्ण विरह में क्यों रो रहे, भगवान कहाँ नहीं तो बताओ, कृष्ण तो कण कण में, कृष्ण तो सब जगह में, जब कृष्ण सब जगह में फिर तुम क्यों रो रहे हो। जो उन्होंने ये उद्धव को द्वारा उन्होंने उपदेश उन्होंने योग ज्ञान कर ला पाए, बोले यहीं पर बैठ करके भगवान की योग साधन करो, योग करो बस कृष्ण अपने आप आकर के तुमको दर्शन देंगे। लेकिन गोपियाँ क्या कहती हैं, बोले तुम जो हमको कृष्ण कौन, बोले विदग्ध कृपा मय, बोले हे श्याम सुंदर अब तो हमारे हृदय को तो जानते हो, इसलिए मोरे यही कहते ना जुआए, इसलिए हमको ये बोलना तुम्हारी सही नहीं है। बोले क्यों नहीं सही है, तो आप जो कह रहे हो जो ध्यान करो ध्यान करो, क्यों नहीं सही, देखो गोपियों की भावना कैसे है। बोले चित्त काड़ी तुमा हईते विषय चाही लागाईते, जत्न करी नारी काड़ी वारे तारे ध्यान शिक्षा कराओ, लोके हासा या मारो स्थाना स्थान ना कर विचारे है। कहते देखो तुम तो कहते हो ध्यान करो, जहाँ ध्यान करके भगवान वहीं तुम्हें दर्शन देंगे, लेकिन हम तो उसको भूलना चाहते हैं, हम तो उनको भूलना चाहते, बोले काले को हम याद नहीं करेंगे, तब तक ये घर गृहस्थ में सुख में चल रहे थे, बोले जब तक इसकी कथा हमने नहीं सुनी, जब तक इनको चरण में चित्त को नहीं लगाए ना, हम घर गृहस्थ ठीक से चल रहा था, जब से कृष्ण को चरण में अपना हृदय को चित्त को लगाया तब से हमारा घर गृहस्थ बिखर गया है। हम तो चाहते हैं चित्त काढ़ी, मतलब चित्त को तुम्हारे हृदय से तुमको निकालना चाहते हैं, और चाहते ही ये मन को हम संसार में लगा दें, विषय में लगा दें, लेकिन हे श्याम सुंदर तुम हमारे हृदय से निकलते नहीं, तुम निकलते नहीं। इसलिए जब उद्धव जी गए और उन्होंने भवरा रूप में देखा कैसे कृष्ण स्वयं आकर के राधा जी की चरण में बैठने चाह रही हैं, और राधा रानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी वचन, तुम काले हो तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने धोखे दिए हो, तब तक पेड़ में पक्षी बैठते हैं जब तक इसमें पत्ते हरे भरे, पत्ते जब निकल जाए पक्षी उड़ी जाती है, तब तक बालक गुरु आश्रम में रहता है, जब तक पढ़ाई नहीं हो जाए, जब पढ़ाई हो गया गुरु दक्षिणा देकर बालक भी चले जाता है, एक भिखारी घर में कब तक भिक्षा मांगने के लिए रहता है, जब तक भिक्षा मिल जाए, और जब तक भिक्षा मिल जाए ना, अगर गृहस्थ बोले बाबा और थोड़ा रुको ना, बोले नहीं नहीं हमको और जगह में जाना है, लेकिन जब तक भिक्षा नहीं दोगे तब तक वहीं खड़े रहेंगे हैं। कहते उसी तरह तुम भी ऐसे हो, जब तुम्हारी काम पूरी हो गई बस उड़ गया, पंख उड़ गया ना, पंख उड़ गया तो पंख उग गया तो बस उड़ गया तुम ऐसे ही हैं। इसलिए हम तो वहाँ पर उद्धव जी बोले हे राधे मैं जब से आए तब से तुम
उलाहना 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 ही देते रहे हो, वो काले से कोई मतलब नहीं, काले से कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो काले का बात छोड़ दो ना, क्यों बार बार उसका नाम ले रहे हो? अगर याद करना तो और किस चीज की याद करो, काले की क्यों याद करते हो? अगर ये काले इतने बेकार व्यक्ति, क्यों उसको याद करते हो? काले का बात छोड़ दो। राधा रानी का तो यही बात है, हम तो चाहते उसको भूल जाए, हम चाहते ये जुहा में उसका नाम नहीं आए, लेकिन जब उसका नाम आता है ना, उसको नाम के बगैर जुहा में कोई नाम ही नहीं आते। चाहते ये कानों में कृष्ण का बंसरी की आवाज़ पड़े ही नहीं, लेकिन पड़ता तो उनकी आवाज़ पड़ता है, हैं? इन्हें आँखों को कहते हैं, काले सिवाय और कोई चीज़ को देखो लेकिन दिखे कोई काले ही दिखता है। ये प्यार को समझाते, तू जहाँ कृष्ण को साथ में मिले वहाँ पर मत जाया करो, लेकिन ये प्यार जाएगा ना उधर ही जाएगा, वो उधर ही जाएगा, मतलब कृष्ण हमारी ऐसे हमारी रोम रोम में कृष्ण बैठ गई, उसको हृदय से निकालने पर भी कृष्ण हम हृदय से वो निकलते नहीं, ऐसे जम करके बैठ गए, हैं जम करके बैठ गए। इसलिए कर तारे ध्यान सिक्ख्या कराओ लोग हंसाए मारा, तुम कहते उसको ध्यान करने, काले को ध्यान करने के लिए लोग हंसने का ये बात है, हैं? इसलिए स्थानास्थान ना करो विचार, तुम स्थान और अस्थान तो विचार किए बगैर जिसको जिसको तुम उपदेश देते हो, हैं, उसको ध्यान करो, भले ये उपदेश हमारे पास में नहीं चलेगा। इसलिए नहे जोगी जोगेश्वर पद कमल तुम्हारे ध्यान करी पाए भी संतोष। ये जो गोपियाँ कौन है, गोपियाँ कोई जोगेश्वर कोई जोगी नहीं है, तुम्हारे चरण कमलों को चिंतन करते हुए उनका संत इनको आनंद मिलेगा। इसलिए तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटीनाटी सुनी गोपीर आर बाढ़े रोष। इसलिए तुम जैसे उपदेश देते हो, हैं, हमें ध्यान करो, मैं सर्वत्र मैं कहाँ नहीं, ये गोपियों के पास में ध्यान करने कुछ नहीं चलेगा, हम तो प्रेमी हैं, हम लोग तो प्रेमी हैं, ये उपदेश हैं, ये उपदेश सुन करके हमारे हृदय में बड़ा कष्ट होता है, तुम हमें कहते हो जोग ध्यान कर, नहीं। इसलिए देह स्मृति नाही जार संसार कुप कहाँ तार, ता हैते नाचाए उधार विरह समुद्र जले काम तिमिंगले गिले गोपी गनी नेह तार पार। कहते हैं देह स्मृति नाही जार संसार कुप कहाँ तार, ये संसार बंधन कब तक है? कहते संसार का जो दुख कष्ट जन्म मृत्यु बंधन में कब तक है? जब तक हमारी ये शरीर में मैं और मेरा रहेगा, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा, लेकिन भगवान से कोई संबंध नहीं, शरीर को सब कुछ मानता है और इस शरीर संबंधी वस्तु को जो यही सब कुछ मानता है, हैं? कि तब तक ये संसार है, तब तक ये माया है, लेकिन ये शरीर से जब ऊपर कोई उठ जाए ना, भगवान को साथ में जब जुड़ जाए, फिर तो संसार बंधन समाप्त हो जाता है, संसार का बंधन नहीं रहता है। इसलिए यहाँ कहते हैं लेकिन हम लोग तो शरीर का संबंध ही हमारे नहीं है, गोपियाँ ये शरीर से ऊपर है, जब ये अनर्थ निवृत्त हो जाता है ना, चारित्र का जो अनर्थ है, असत तृष्णा अपराध हृदय द्रौबल्य और तत्व भ्रम, ये चार तरह का जो अपराध है, जब इससे ऊपर कोई ऊपर निकल जाता है, फिर ये संसार बंधन उसको नहीं रहता, फिर उसका रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम है उसको ऊपर में, ये सब चीजें, लेकिन ये तो बहुत पहले ही खत्म हो जाती है सब चीज, साधक का ये बहुत पहले ही ये सब चीज खत्म हो जाती है। ये जो प्रेम है गोपियों का जो स्थिति है, कहते प्रेम के बाद में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, उनका भाव तो बहुत ऊंची भावना है, गोपियों की साधारण भाव नहीं है। इसलिए कहते ये संसार को कहा, उस संसार रूपी जो कुआ है, हैं, संसार को क्या बताया, ये संसार एक कुआ है, हैं, संसार कुआ मतलब इस संसार को बताया, गृहांत कुपम हितात्म पातम गृहांत कुपम वनम गत जत हरिमाश्रय। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज उसको पिताजी को कह रहे, बोले पिताजी अगर जीवन में कोई शांति प्राप्त करना चाहते हैं, ये गृह रूपी अंधकुआ को त्याग करके साधु संघ में जा करके भगवान की भजन करेगा तो उसको शांति मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, नहीं जीव को शांति मिलेगी नहीं। लेकिन ये जो संसार बंधन कब तक है, बोले जब तक शरीर में आ सकती है, लेकिन ये गोपियाँ तो बहुत ऊंची भावना है गोपियों की, और ये संसार को क्या बताए,
ये संसार के अंधकार कुआ। कहते कुआ दो तरह का होता है, कहते एक तो होता है अंधकार कुआ होता है और एक पानी युक्त तो कुआ होता है। बोले ये पानी युक्त तो कुआ कौन है और ये अंधकार कुआ कौन है? वे पानी युक्त तो कुआ वहाँ पर कहते हैं जिस घर में हरि का नाम हो, हरि का भजन हो, सब मिलकर के हरि कथा हो, कीर्तन करते भजन करते, वो क्या है? कहते वो कुआ पानी युक्त तो कुआ। बोले जो अंधकार कुआ कौन है? जहाँ पर जहरीले सांप रहते, बिच्छू रहते हैं, जहाँ पर हिंसक जंतु रहते हैं। बोले वो क्या है? बोले जिस घर में हरि का नाम नहीं, हरि का भजन नहीं, जहाँ पर भगवान की कोई चर्चा नहीं, केवल दुनियादारी का पैसा कमाओ और खा पी करके बस बाल बच्चों को बड़े करके मर जाओ। कहते ये कौन सा? ये अंधकार कुआ है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, कहते ये इस संसार रूपी जो कुआ है कहाँ है हमारे पास में? हम लोग तो देह स्मृति, ये देह से अतीत है हम लोग। इसलिए तहा होते नाचा है उधार, बिरह समुद्र जले काम तिमि गिले गिले गोपीगण नेह तार पार। इसलिए हम लोग तो कृष्ण रूपी जो बिरह समुद्र है, ये बिरह समुद्र है मतलब दिन रात कृष्ण चिंतन, कृष्ण चिंतन में हम डूब रहे हैं। केवल कृष्ण की बिरह जले काम काम रूपी तिमिगल गिले, यहाँ पर उदाहरण देते हैं ये कृष्ण बिरह रूपी तिमिगल, तिमिगल मतलब होता है जो मछली होता है, तिमी माछ होता है समुद्र में, वो क्या करता है? वो बड़े बड़े दूसरे मछली को वो खा लेते हैं। कहते ये जो बिरह रूपी जो तिमिगल मतलब ये बिरह रूपी तिमिगल हमको संपूर्ण रूप में ये हमें ग्रास कर चुका है। गोपीगण नेहतार पार, इसलिए जो गोपियाँ हैं ये बिरह रूपी समुद्र के पार नहीं पा रहे। इसलिए वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन सही कुंज रासादि के लीला सही ब्रजर जन जनगण माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र के मने पास लीला। यहाँ पर गोपियाँ कह रहे हैं श्याम सुंदर तुमने कैसे हम ब्रज सुन कैसे भूल गए? क्या भूल गए? जब हम वृंदावन में गोवर्धन में और जमुना पुलिन में वृंदावन में जब हम कुंज कुंज में विहार किया, रासलीला किया हम लोगों ने, हैं कितने हमने लीला किया, तुमने ऐसे पिता माता भाई बंधु को तुमने कैसे भूल गया? और दूसरी बात है, देखो दूसरों को भूलना भूल जाता है लेकिन पिता माता को कोई नहीं भूल पाते हैं, क्यों? माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करती हैं, प्रसव पीड़ा सहन करती हैं, मुँह की खाना निकाल करके बच्चों को खिलाती हैं, रात में जब सोती हैं रात भर रात रात उसको नींद नहीं आती, बच्चे टाटी पेशाब कर दिया, उठ गया, सो गया, जग गया, रात भर तो माता पिता को पिताजी को माताजी को नींद नहीं आती, और पिताजी क्या कर दिन भर पैसा कमा करके बच्चे को कैसे बड़ा बनाए, उसको कैसे हो नहार करे दिन रात, पिता भी दिन रात बच्चे को पालन करते हैं। खैर सब दुनिया सबको भूल सकते हैं लेकिन पिता माता को भूलना बड़ा कठिन। लेकिन तुम पिता माता को कैसे भूल गए? तुम अपना नंद जसोदा कैसे तुमने नंद जसोदा को तुमने कैसे भूल कर बैठ गए हो? हाँ ये तो बड़ा आश्चर्य बात है। इसलिए ऐसी गोपियाँ कृष्ण को तरह तरह से उल्हाना दे रही हैं और उल्हाना देते हुए उसको बाद में फिर कैसे आगे क्या करते हैं उसको फिर हम आगे श्रवण करेंगे। फिर कृष्ण ये गोपियों को गोपियाँ तो पहले उनको उल्हाना जितना देना दे गए लेकिन उसको बाद में फिर कृष्ण उनको क्या समझाते हैं है? कि जो विरह है कृष्ण छोड़ कर चले गए, क्यों कृष्ण छोड़ कर चले गए, ये छोड़ने का वास्तव का तात्पर्य क्या है? कृष्ण तत्व तो इनको कभी कृष्ण छोड़ते नहीं, जो जिसको जितना प्यारा होता है उसको पास में ही रहता है, लेकिन कृष्ण केवल इनको विरह रस आस्वादन कराने के लिए दिन रात ये मेरे चिंतन करते रहे। पास में रहने पर क्या होता है? प्रेम घट जाती है। पास में जैसे पति अगर पास में हर समय रहते हैं ना, अगर पति बोले एक गिलास पानी उठा कर दो, बोले उठा कर पी लो ना, खुद उठा कर पी नहीं सकता, बोल देते हैं है? लेकिन लेकिन अगर पति अगर कहीं दूर देश से 6 महीना 5 साल में कहीं एक बार आए, देखना खूब सेवा होती, बड़े दिनों के बाद में आए। इसलिए कहते इसीलिए भगवान क्या किए, इनको बिरह रस का आस्वादन दिलाने के लिए ये दिन रात जैसे पति पत्नी घर में रहती हम जब इच्छा मिल लेंगे दोनों ही रह रहे घर में, लेकिन अगर कोई दूर में रहे ना, देखो ना पति अगर दूर में रहता है दिन भर पत्नी
पति का चिंतन करता है, कब आएंगे, अभी नहीं आए, उनका पत्र नहीं आया, फोन नहीं आया, क्या कर रहे, दिन भर चिंतन करते चिंतन। इसलिए जो जो यही विरह रहस्य है, भगवान यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये दिन रात मेरे विरह में ये डूबे रहे, मेरे भाव में दिन रात ये डूबे ही रहे मेरे भाव में। इसलिए कृष्ण, इसलिए कृष्ण भी छोड़ करके ब्रजवासियों गए, राम भी छोड़, अयोध्या वासियों छोड़ करेंगे गए कि नहीं, उनने सीता जी को भी वनवास में दे दिया। दिन रात सीता भी राम की चिंतन, राम भी सीता की चिंतन करती। महाप्रभु भी क्या किया, नवद्वीप वासियों को छोड़कर संन्यास ले लिया, अपना पत्नी अपना माँ को भी छोड़ करके उन्होंने कहाँ चले गए, पुरी चले गए, पुरी चले गए। इसलिए प्रभु का जितने लीला देखोगे ना, सब लीला में विरह है, विरह है। जैसे हमारे सची मैया, जैसे कोई तिथि पर्व आता है ना, तिथि पर्व में से बढ़िया बढ़िया घर में खाना बनता है। बंगाल में क्या बनता है, पहले पिठापाना, उधर पिठापाना बनता है, हैं, उसका नाम है, अलग अलग सब चीज़ बनती है। इसलिए कभी कभी सची मैया बड़े सुंदर सुंदर उस बढ़िया पिठापाना बनाते, बना करके ठाकुर के सामने धर देते, तुलसी बता देते, भोग लगा करके बैठ जाती। अगर मेरे बेटा रहता, निमाई रहता, कितने खुश होकर खाता, मैया कितने सुंदर बनाए, मैया और एक दे दे, हैं, मैया और एक दे दे, मांग मांग कर खाता था। मैया एकदम चिंतन करते 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 सची मैया डूब जाती, एकदम डूब जा, जब डूब, महाप्रभु कहाँ, पुरी में, और ये कहाँ स्मरण करते हैं, ये बंगाल में नवद्वीप में, बस महाप्रभु वहाँ से आ जाते और आ करके सारे पिठा बना कर खा कर महाप्रभु चले जाते। जब चले जाते, घंटे तक मैया सची घंटे तक बैठ रहती है महाप्रभु की चिंतन करते करते, उनके बचपन की याद करते 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 पूरा उसमें डूब जाती है। लेकिन जब आग खोलती है, देखा खाना है ही नहीं प्लेट, सारे खत्म, बोले ये क्या हुआ, मैं तो ठाकुर को भोग लग गया था, ये प्लेट खाली कैसे। फिर मैया सोचती हैं, क्या मैंने आज रोसी बनाया नहीं। फिर जाकर चूल्हा में देखते हैं, चूल्हा में ना कुछ चिन्ह पड़ा हुआ होता है, थोड़ी बहुत चिन्ह पड़ा हुआ होता है। बोले नहीं, ये तो चूल्हे में सब कुछ चिन्ह पड़ा हुआ, मैं तो बनाया, फिर सब गया कहाँ। फिर मैया सोचती, शायद मेरे कोई भ्रम होगा। लेकिन महाप्रभु बीच बीच में जब कोई भक्त आते हैं, खबर भेजते हैं, बोले मैया को, मेरे मैया को बोलना। मैया कभी कभी सोचती है, मेरे भ्रम है, मैं तो बनाया नहीं। नहीं, जब जब मैया मेरे को स्मरण करती हैं, तब तक मैं आता हूँ और भोजन करके मैया को बोल देना, अमुक दिन अमुक चीज भोग लगाया और मैंने खाया था, मैया को बोल करके आना। अगर घर घर में हो ना, देखना वो चिंता नहीं होता है, वो चिंतन घर में नहीं होता है, लेकिन दूर में होने पर तभी ये चिंतन, दूर में होने पर तब ये चिंतन में डूबता है, नहीं तो कोई चिंतन नहीं होता है। इसलिए इसको कहते विरह रस है, इसको कहते विरह, विरह मतलब होता है विशेष पूर्वक, रह मतलब होता है केली है। राधा कृष्ण जब जब चले गए वृंदावन छोड़ कर, राधा रानी कदम वृक्षों का आलिंगन करके, तो मैं कृष्ण का आलिंगन कर रही हूँ, चिंतन करते 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 एकदम डूब जाती हैं और देखती हैं कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं कृष्ण के साथ में कुंजम, लेकिन कृष्ण वहाँ है ही नहीं, कृष्ण चले गए, लेकिन वो चिंतन में इतने डूब जाती हैं। इसलिए यही विरह रस को महाप्रभु यही रस शिक्षा देने के लिए आए, दिन रात उसकी चिंता में ही ये मन को खो दो, उनकी चिंता में ही मन को डूबो दो। इसलिए इस सब चीज में, यही चीज को इस चीज में समझा रहे हैं। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, वांछा गुरु दरभ सब कृपा सिंधु भय वच पत्ता नाम पावने भो।